नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। धार रोड पर नाका लगाकर उल्लंघन करने वालों के किए गए चालान। मास्क पहनो, यहाँ से रुके थे तो नहीं भी रुके थे, कुछ भी आया था नहीं चलेगा, फल ये करना चाह रहे नंबर ही पड़े अगर अपना के साथ साथ लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि ये सेफ्टी फीचर्स है। आप हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, अपने दस्तावेज साथ में रखें ताकि आपकी सेफ्टी जो है उसी में है कि आप हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी का चलाएं। छोटे बच्चे हैं खासकर, देखिए बिल्कुल गलत है। वो हर जिसने भी गाड़ी या चलानी है या स्कूटी चलानी है, 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर नहीं, लाइसेंस के बगैर पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको उनके खिलाफ भी जुर्म बनता हुआ 80% देखा जाए। नहीं देखें, मतलब ऑप्शन है जो आपके पास ऑनलाइन भी आप हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, क्योंकि ई चलानिंग का सिस्टम है, इसमें लाइसेंस आपके पास नहीं, लेकिन आपको लाइसेंस नंबर पता हो, गाड़ी का नंबर डिस्प्ले होता निकला था पूरा डिटेल। इसमें लगे रहे काफ़ी देर से लग रहे हैं, कभी इस जगह पर लगता है, कभी कहीं और जगह पर लगता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लगाते रहते हैं। जिला अस्पताल के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन औषधि को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट ड्रग कंट्रोलर जम्मू कश्मीर लतिका खजूरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और केंद्र काम करते हैं, उससे पहले शेर है, देवताओं का खुदा से होगा काम, देवताओं का खुदा से होगा काम, आदमी को आदमी दर करार। फॉर मेकिंग सच अ वंडरफुल अरेंजमेंट्स डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, फाउंडर मेंबर ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, एस्टैब्लिश्ड इन 2014 इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर। इन फैक्ट इट्स अ प्लेजर टू डिस्क्लोज टू एक्सप्रेस दैट डॉक्टर चंद्र प्रकाश इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उनका एक डिसीजन क्या हुआ 2014 में अक्रॉस द कंट्री कि अब जो ये परियोजना है ये ओपन मार्केट में जाएगी, मतलब जो हॉस्पिटल जो घर में है वो भी जन औषधि केंद्र की प्रोप्राइटर बनी, क्वालिफिकेशन विदाउट क्वालिफिकेशन बहुत काम हुआ 2014 से आज एंड यहाँ पे 14 के बाद 2017 एंड 18 ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है जो कि 2010 में स्टार्ट हुई थी और हमारे JNK में 2014 से चल रही है। और मैं फ़ख्र से कहना चाहती हूँ कि उधमपुर पहली डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे कि पहला जन औषधि स्टोर खुला हमारे जम्मू डिवीज़न में। तो ये अब योजना जो है अभी हमने आगे ले जाना है, और हमारा इसमें एक मकसद है कि जितनी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे हर जगह एक जनौषधि केंद्र हो, सो दैट कि लोगों को दवाइयाँ सस्ती मिलें। 50 से 80% सस्ती मिलती हैं क्योंकि ये जेनेरिक मेडिसिंस होती हैं और जो आम जनता है उनको इसका फ़ायदा हो। मैम अगर
इन केंद्रों से उनको बहुत बेनिफिट होगा। हमने देखा है कि जो आम जनता या गरीब जनता जैसे भी आप कहते हैं, वो पूरी दवाई नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते इतना अफोर्ड करने के लिए। तो अगर ये इन केंद्रों से लेंगे तो वो एक तो अपना पूरा इलाज करा पाएंगे और पूरी जो दवाई जो उनको लिखी है डॉक्टर ने वो खा पाएंगे और उनसे उनकी जो है वो उनकी कंडीशन अच्छी होगी। दूसरा जो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं जिनमें कि हमारा एंटी कैंसर ड्रग्स आती हैं या फिर एंटी हाइपरटेंसिव एंटी डायबिटिक, जो कि एक बार अगर कोई शुरू कर दे खाना तो उसे पूरे लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है, तो ये दवाइयाँ भी इन केंद्रों में बहुत सस्ती हैं। कोई 50 से 70% की कम सस्ती हैं ब्रांडेड से। तो है कि ये अफोर्डेबिलिटी है और अवेलेबिलिटी है, इसलिए प्रधानमंत्री का एक ये सपना है कि ये जो केंद्र हैं जन औषधि केंद्र, ये हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और हर जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे खुले, सो दैट कि आम जनता को फ़ायदा हो। इनकी जो बास्केट है प्रधानमंत्री, पहले तो छोटी थी, पहले 400 से 500 मॉलिक्यूल मिलते थे, अब ये 1400 मॉलिक्यूल तक पहुँच गई है। तो हमारी जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं जिसमें कि 385 जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे अवेलेबल हैं इन स्टोर में। तो मैक्सिमम जो दवाइयां हैं वो अवेलेबल हैं इन स्टोर में, प्लस कंज्यूमेबल्स और सर्जिकल्स भी अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि दवाइयों की अवेलेबिलिटी है, मेन है कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि अगर जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन आएगी तो ये स्टोर भी बहुत अच्छे से रन होंगे। डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज विभाग द्वारा सुभाष स्टेडियम में आयोजित करवाए गए क्रिकेट के ट्रायल्स। सर ये स्पोर्ट्स काउंसिल का नहीं है, वेरी सॉरी टू क्लियर, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स JNK की ओर से है, जो हमारे डायरेक्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स और चेयरमैन इसमें हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन उधमपुर। ये मोस्टली हमारा जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटी है, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल 3 एज ग्रुप में। इसमें हमने पहली बार बॉक्सिंग को, फेंसिंग को और साथ में जो मार्शल आर्ट है उसको हमने टेकअप किया है कि हमारे उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो हैं इनमें बहुत टैलेंट है। तो ये बच्चे जो नए इवेंट्स हैं जिनका SRO भी है और SRO के बीच जो बच्चे जाते हैं उसको बेनिफिट भी मिलता है आगे जाके। तो इस बार पहली बार हम सभी टीमों को स्कूल नेशनल गेम्स के लिए जो UT लेवल कंपटीशन होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करके भेज रहे हैं ताकि हमारे उधमपुर के बच्चे जो हैं ऑल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। तो इसमें हमारी एथलेटिक्स का बॉयज़ एंड गर्ल्स कंप्लीट हुआ, बॉक्सिंग का पहली बार बॉयज़ ही रखा, गर्ल्स का नहीं था। देन मार्शल आर्ट में सभी बच्चे आ रहे हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी। आई फेंसिंग में 40 बच्चियां और बच्चे हमारे पास ट्रायल में और कंपटीशन में आ रहे हैं जो अभी चल रहा है। इसी के साथ हमारा क्रिकेट का जो था, क्रिकेट ऑल एज ग्रुप बॉयज़ एंड गर्ल्स रखा है, पहली बार गर्ल्स की 2 टीम हम रेज कर रहे हैं Under-19 और Under-17। 17 के बच्चे हमारे पास बहुत अच्छे प्रिपेयर हो गए हैं और उनके लिए कोशिश की है कि गवर्नमेंट की ओर से जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हुआ उससे बढ़कर हमने इनको प्रोवाइड कराया ताकि हमारे उधमपुर का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है ये मेंटेन रहे और आइंदा हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करें और उसके बाद यहाँ से मैक्सिमम बच्चों की सिलेक्शन हो जो स्कूल नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करें और उन बच्चों का बेनिफिट हमारे डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा और हमारे इलाके को मिलेगा। हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं टीचर, और इसके साथ मीडिया कर्मी का मैं बहुत आभारी हूँ कि ये बच्चों का एक अच्छा अच्छा टैलेंट भी रिकॉर्ड करके आगे भेज रहे हैं। तो उसमें हमें खुशी है कि हमारे बच्चों की जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और बच्चे पूरी कोविड SOPs को फॉलो करके स्टाफ मेंबर इनके साथ जुड़े हुए हैं। हर एक लिहाज से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है और मैं ज़्यादा नहीं, इनके पेरेंट्स का, इनके टीचर्स का बहुत आभारी हूँ डिपार्टमेंट की ओर से, जो इस टाइम बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर जोड़ के और बहुत सारी बुरी आदतों से बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद। बीती रात हाउसिंग कॉलोनी से एक चोरी का मामला सामने आया, चोरों द्वारा ऑल्टो कार चुराई गई, वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। किशोर, मैं इधर हाउसिंग कॉलोनी फर्स्ट में रहता हूँ, तो मैं रात को कहीं फंक्शन में गया था,
तो 9 बजे मैंने गाड़ी पार्क की जहाँ मैं यूजली पार्क करता हूँ। तो सुबह जब मुझे कहीं जाना था तो मैं बाहर निकला, देखा तो मेरी गाड़ी वहाँ से मिसिंग है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा कि अगर किसी को मेरी गाड़ी का पता चलता है, मेरी गाड़ी का नंबर JK14A6706 नंबर है उसका, आल्टो सिल्वर सिल्की उसका कलर है, अगर किसी को भी पता चलता है तो मुझे संपर्क करें। मेरा मैंने कंप्लेंट करवाई है पुलिस में, एप्लीकेशन दे दी है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम किस ढूंढेंगे उसको। तो फिर भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी अगर कोई मेरी गाड़ी का पता चलता है तो वो मुझे बताए। मेरा मोबाइल नंबर है 9622828-2782। तो अगर कहीं से कोई किसी को पता चलता है तो मुझे ये खबर करे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।